आज मैं निधि डॉक्टर के पास गई थी। कब? देखा आपकी नींद उड़ गई ना, और ना चीज ही ऐसी होती है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने अपना इलाज शुरू करवा दिया। मोना, ये शर्ट किसकी है? आए हाय, अल्लाह पूछे उस मनहूस मुस्कान से। क्या समझती है वो कि मैं जूते घसीटती जाऊंगी उसे लेने? मुझे क्या जरूरत है, अल्लाह ने मुझे मेरी अपनी इतनी अच्छी बहू दी है। उसके जरा से रोने से घबरा रहे हो तुम? जब पूरी बात बताओगे तो बहुत रोएगी ना वो, तब क्या मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ दोगे? वालेकुम अस्सलाम। तबीयत कैसी है उसकी? पहले से बेहतर है, मगर अब भी उसे उल्टियाँ हो रही है। कुछ खाया था क्या उसने? सुबह से खाना खिलाने की कोशिश कर रही हूँ, मगर वो कुछ नहीं खा रही। अब जाके कह रही है कि दाल चावल खाने को दिल चाह रहा है, तो मैं बस वो चढ़ा रही थी, तो कुछ देर हम यहाँ और रुक जाते हैं। ठीक है, मैं वेट करता हूँ। आप प्लीज़ थोड़ी देर उसके पास बैठ जाएंगे, मैं खाना रख के आती हूँ। ठीक है। तुम मेरे किसी भी मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रही? तुम भी तो कल से यही कर रहे हो मेरे साथ। तबीयत कैसी है? तुम्हें क्या, तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। जाओ अपनी बीवी को जाके मनाओ, कल रात से भी उसे ही मना रहे हो ना तुम। मैं तो बस तुम्हारे लिए छुपी हुई औरत हूं। प्लीज यार, इस किस्म की बातें मत किया करो। तुम भी जानती हो कोशिश कर रहा हूं, जैसे कुछ बन पड़ेगा सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगा। कब? जल्दी, आई डोंट नो। तुमने कभी मुझसे मोहब्बत की ही नहीं है, मैं ही जबरदस्ती तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूं। तुम जानती हो कैसा नहीं है, भी प्यार करता हूं तुमसे। रसराम बीवी है मेरी। जब भी उसके साथ कुछ बुरा करता हूं मुझे भी बहुत बुरा लगता है, और जब रोती है ना वो तो अजीब शर्मिंदगी होने लगती है। आई डोंट वांट टू बी अनफेयर। अच्छा खैर छोड़ो, प्लीज मान जाओ, नाराजगी छोड़ दो, वो यही है। आ गई तो इस बारे में बात भी नहीं कर पाएंगे। यार बेवफा ते मेरा रब ही गवाह, यार बेवफा ते मेरा रब ही गवाह। सोने रब दे अग्गे देवा देवा मैं दुआइया। वे मेरा रब कोलो पूछा मैं होर दुनिया दे क्यों आईया। रवे नाल तू मेरे फेर विकटा जुदाईया। हर रात मैं रो रो के अपनी आँखा सुजाईया। समझ नहीं आती आखिर हुआ क्या। अच्छी भली गई थी घर से। शामिर, क्या कह रहे हैं डॉक्टर? कह रहे हैं ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो गया था। हैं? क्यों? जवान जहान लड़की है, अभी से प्रेशर क्यों बढ़ गया उसका? पता कर, डॉक्टरों को कोई गलती लगी होगी। हाय डॉक्टर साहब, कैसी है हमारी बच्ची? मुझे ये बताएं कि क्या पहले भी इनका ब्लड प्रेशर इसी तरह हाई रहता है? जी नहीं, कभी नहीं। कोई शॉक पहुंचा था, कोई सदमा या कोई और परेशानी की बात हुई थी? नहीं, कुछ भी नहीं। खुशबाश गई है अपनी सही।
इसके घर गई थी? अच्छा, वहाँ कोई तो बात ऐसी हुई होगी कि इनको इतना गहरा शौक पहुँचा है। वहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ ठीक था, बस अचानक चकरा के गिर गई। आप भी वहाँ मौजूद थे? जी, मैं वहीं था। चक्कर आने से पहले उन्होंने सरदर्द की कोई शिकायत की थी? जी नहीं। क्या वो किसी चीज़ से डरती हैं, उसकी वजह से उनको इतना गहरा शौक पहुँचा है? जी नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। आप ना बताएं, मगर उनकी हिस्ट्री में ऐसा कुछ है नहीं, बिल्कुल ठीक हैं और अच्छी खासी वो दोस्त के घर गई और उनका ब्लड प्रेशर इस तरह हाई हो गया, मुमकिन नहीं है ये। समझ में आने वाली बात तो वाकई नहीं लगती। एनीवेज, अभी सिटी स्कैन हो रहा है, इससे पिक्चर और क्लियर हो जाएगा, लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं है, बहुत क्रिटिकल है। आप लोग उनके लिए दुआ करें। मूना बेटी जी, बहुत देर हो गई, अब घर जाओगे? जी मैं चलती हूँ, मैं कल फिर आऊंगी। शामी कहाँ चले बेटा, यहीं रुको, तुम्हारी बीवी बीमार है, चली जाएगी, बच्ची थोड़ी है। हाँ ठीक कह रही है, तुम यहीं रुको। अरे नहीं, मैं तो बस वॉलेट गाड़ी में पड़ा है इसकी, वो लेने जा रहा हूँ। देख ले उसको, नतीजा वो तुम्हारे सामने है। औरत का उच्च सना ये मर्द के मुंह का नशा बन जाता है। समझाया था ना तुम्हें, कहा था रुक जाओ। चाहती थी असरा देख लिया उसे, जो नतीजा वो तुम्हारे सामने है। हालत देख ही ली ना उसकी, अब जब उसे होश आएगा सबसे पहले मुझसे वो सवाल पूछेगी जिसका उसका जवाब नहीं है मेरे पास। और अगर कि खुदा ना खास्ता उसे होश ही नहीं आया तो सब कुछ हमारी ख्वाहिश के मुताबिक होगा। तुम यही चाहते थे ना कि अज़रा हमसे कोई शिकवा ना करे? नहीं करेगी। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि तुम क्या बकवास कर रही हो। मेरे सामने सफाइयां पेश करने की कोई जरूरत नहीं है। पिछले एक साल से तुम्हारे दिल में जो ख्वाहिश दबी हुई है वो पूरी होने जा रही है, तो क्यों घबरा रहे हो तुम? मैंने ना कभी ऐसी कोई ख्वाहिश की, ना ही मैं ऐसा सोच भी सकता हूँ कि अज़रा को कुछ हो जाए। लेकिन ये तो चाहा था ना कि वो हमारे दरमियान ना रहे, हमारी जिंदगी से चली जाए। जिंदगी से चले जाने का एक तरीका ये भी हो सकता। पिछले एक साल से तुम्हारे दिल में जो ख्वाहिश दबी हुई है वो पूरी होने जा रही है, तो क्यों घबरा रहे हो तुम? मैंने ना कभी ऐसी कोई ख्वाहिश की, ना ही मैं ऐसा सोच भी सकता हूँ
कि अजरा को कुछ हो जाए। इनसे मिलने के लिए मैं चुप चुप कर तुम्हारे घर ही तो आती थी, तभी तो मुझे आना इतना अच्छा लगता है। यहाँ बहुत यादें छुपी है मेरी। अगर कहाँ? तुम्हारी सौतन के पास जाना है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। हेलो, कैसी है वो? मैंने उसे बहुत दुख दिया है मोना। मैंने भी। मैं कभी नहीं चाहता था कि उसके साथ ऐसा हो। मैं भी उसे दुख देना नहीं चाहती थी, लेकिन कुदरत के खेल को कौन बदल सकता है? उसे कुछ हो गया ना, याद रखना हमारे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। क्यों पछताते रहेंगे शामी? हमने आखिर ऐसा किया क्या है? अगर वो हमारी मोहब्बत नहीं सह पाई तो इसमें हमारा क्या कसूर है? समझाया था तुमने, कहा था ठहर जाओ रुक जाओ, अगर हम चाहते तो आहिस्ता आहिस्ता हम अजरा को अपनी शादी के बारे में बता सकते थे। देखो, अल्लाह ने चाहा तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। जितनी अजियत में अजरा है उतनी अजियत में मैं हूं। अच्छा, मैं बाद में कॉल करता हूं। कौन था फोन पे? ऐसे एक दोस्त था, अजरा के बारे में पूछ रहा था। दोस्त था या दोस्त थी? शामिर, कल शाम क्या हुआ था? शादी कर लिया ना तूने मुन्ना से? ये सुन के इसकी ये हालत हुई है। अजरा ने हम दोनों को साथ ले लिया था तो बेहोश हो गई।
इस राज को भी अभी फाश होना था। क्या मुंह दिखाऊंगी जमाने को, तेरी बहन के ससुराल वाले सौ सौ बातें सुनाएंगे। मैं तुझे शादी करनी थी, सारा जमाना भरा पड़ा था, उस कम नसीब की सहेली मिली थी तुझे, डाइन भी साथ घर छोड़ देती। मैंने आपसे कहा ना, पहल मोना ने की थी। अरे उसकी तो छोड़, वो तो है ही जमाने भर की हर्राफा कहेगी। कोई ना मिला तो सहेली के शौहर पे हाथ साफ कर लिए। देखिए मुझे बस औलाद चाहिए और वो मुझे औलाद दे रही है, आपको इस बात की खुशी नहीं है? आए बस करते, कोई अनोखा काम नहीं कर रही हूं। हर औरत औलाद पैदा करके ही मां बनती है। एक बात याद रखना शामिर, असरा वो है जिसने खुद को तेरे पांव की खाक बना डाला, और मोना मोना देखना तुझे कैसे अपने पांव की खाक बना के रखेगी। मैं पहले ही बहुत परेशान हूं, आपकी मुश्किल मुश्किल बातें करके ना मुझे और परेशान नहीं करें प्लीज। मैं उस गरीब के लिए दो जुमले भी ना बोलूं, बुरा लग रहा है तुझे? क्या गया तेरा? उसका शौहर गया, उसकी सहेली गई, ना मुराद और बे औलाद तो पहले ही थी, रही जिंदगी, मैं तो लगता है जैसे वो भी गई। वो आपको बुला रही और किसी मोना का भी नाम ले रही, प्लीज ख्याल कीजिएगा, कोई ऐसी बात मत कीजिएगा कि उन्हें कोई सदमा हो या स्ट्रेस हो। प्लीज ठीक है ना वो? जी जी चल जा। मैं नहीं जाऊं, जो देख के उसकी तबीयत दोबारा खराब हो गई तो। अंदर तो जा, मिल तो सही उससे। शुक्र है, आंखें तो खोली तुमने, अब कैसा लग रहा है? ठीक हो? आपने उससे शादी कर ली? शादी करने वाले हैं उससे। नहीं, बस वो करना चाहती है मुझसे शादी। आप बाहर जाएं, पेशेंट से इतनी देर बात नहीं करते। इंजेक्शन लगाया नर्स ने। अल्लाह पाक तो जानता है मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी, मैंने कभी उसका बुरा नहीं चाहा। मैं तो खुद उसकी मोहब्बत के सामने दस्तबरदार हो गई थी। मैंने तेरी कोई नाफरमानी नहीं की, कोई गुनाह नहीं किया, मैंने तेरे हुक्म पर निकाह किया। अब मैंने क्या बुरा किया जो अपने शौहर के गले लग के खड़ी हो गई? मुझे तो तुमने खुद ये हक दिया है ना। तू जानता है मेरे रब, मैंने उसकी खुशी की खातिर बड़ा जब्त किया है, मगर अब मेरे बच्चे की इज्जत का सवाल है,
उसके हक की बात थी। अब तो उसे पता चलना चाहिए था। अब अगर वो इस सदमे से जान ही हार बैठती है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो बांटने को तैयार थी सब कुछ। एक दिन शामीर वहां रहता, एक दिन यहां रहता, भले से ही सारी तनख्वाह उसे दे देता, मैं खुद अपने शौहर और बच्चे का सारा बोझ उठा लेती। मगर उसने अपना दिल तंग कर दिया। इस बात को दिल में दफन कर लेते हैं, जब तक छुपा सकते हैं छुपाएंगे। कम से कम हिना की शादी तक तो इसकी भिनक भी ना पड़े किसी को। किसी को भी नहीं, नहीं किसी को भी नहीं। सारी मुसीबतें भी टूटनी थी हमें, ये मरते मरते बची। उधर वो मुस्कान मैके जाके बैठ गई। जब अस्पताल से घर आएगी से पता चलेगा शामिल ने दूसरी शादी कर ली तो क्या हंगामा खड़ा करेगी ये। लोग तो यही कहेंगे ना कि ये सफिया ही जिसने भतीजी के सर पे सौतन को लाके ही दब लिया। तो शामिर बेचारे का क्या कसूर? यही बांझ है। कितना इलाज करवाया इसके बांझपन का। उसूली तौर पर तो इसे खुद शामिर को दूसरी शादी की इजाजत दे देनी चाहिए थी। और वैसे भी इसकी बहुत खुटती थी ना अपनी दोस्त मोना के साथ, बड़ा दिल लगता था। अब बांट ले शामिर को आधा आधा उसके साथ। है? वाह, अरे हम कहाँ जाए, मिल बांट ले। एक बात तो मुझे पता है, वो हर्राफा जो है ना मोना, इसकी तरह हमारी गुलामी नहीं करेगी कभी। जब वो नहीं करेगी तो ये भी कहेगी, मैं क्यों करूं इनकी जूतियां सीधी। बहुत उधर जाके बैठी हुई है और मैं शाहनवाज की खिदमतें करके उसको ठंडा करने की कोशिश कर। कब तक चलेगा ये सब? ससुराल वाले तुम लोगों की अलग बातें मनाएंगे। लोग तो यही कहेंगे ना कि सफिया की ही गलती है, एक बहू सुखी नहीं है इसकी। अरे मैं तो कहती हूँ बस ये घर आए ठीक होकर एक महीने में हिना की शादी करें। शाहनवाज से कहें कि मुस्कान को डरा धमका के कुछ भी करके वापस लेकर आए, और अगर नहीं आती ना तो बच्चे लेकर आ जाए, देखिएगा कैसे उल्टे पैरों भागती भी आएगी वो। हाँ अगर नौकरी शौहर का नेमल बदल होती तो आज सारी नौकरियां करने वाली औरतें तुम्हारी तरह अपने शौहरों को छोड़ चुकी होती। क्या था शामिल जो मैंने देखा? खाब और मोना इतने करीब, क्या चल रहा है? हाय अजरा, कैसी है मेरा बच्चा? ठीक हूँ। देखिए अभी आप इन्हें डिस्टर्ब ना करें, और वैसे भी विजिटिंग आवर ख़त्म हो चुका है। आप में से कोई एक रह सकता है, बाकी सब जा सकते हैं। चलती हूँ मैं, ख्याल रखना। मम्मी ऐसा करें, मैं घर चला जाता हूँ आज, आप यहाँ रुक जाएं। दो दिन से हॉस्पिटल में इन्हीं कपड़ों में हूँ, चेंज कर लूँगा और कल कपड़े लेकर आ जाऊँगा। शामिर आप कहीं नहीं जाएंगे, मेरे साथ रहे। तू फिक्र ना कर बेटा, मैं शाहनवाज के हाथ भेज दूंगी कपड़े तेरे। तू यहाँ रुक अजरा के पास। ठीक है। यही हूं मैं तुम्हारे पास।
मुस्कान बेटा अपने शोहर को बताओ कि तुमने स्कूल में नौकरी कर ली है। अम्मी वो हमारे बारे में कुछ पूछता ही नहीं है, मैं उसे किस मुंह से बताऊं? ऐसी नहीं होता, बात को समझने की कोशिश करो। शिराज के स्कूल का हर जोर है, अपना नहीं तो अपने बच्चों के बारे में तो उसे बताओ, बल्कि उसे पूछो कि क्या करना है इसका। और अगर उसने ये कह दिया कि तुम जानो और तुम्हारी औलाद, तो क्या मुंह रह जाएगा मेरा? ओहो कह दिया तो कह दिया, तुम बात तो करो, जब वो जवाब देगा ना तब फैसला करेंगे। किसी और ने अगर बताया ना कि तुमने नौकरी कर ली तो क्यामत आ जाएगी। तुम्हें कौन आ गया? मालूम है देखता हूँ। अम्मा ये तो हमारी गाड़ी है, बाबा आए। अरे जो बेटा जो जाके दरवाजा खोलो, शाहनवाज आए। मेरा बेटा कैसे हो? नानू हम जल्दी, मेरे पापा हैं। अरे देखो जब मर्द अपनी अना को मार के इतनी दूर आ जाए ना, तो औरत को भी दो कदम बढ़ना चाहिए। चलो शाबाश। मुझे ही खोलना पड़ेगा। चाय पियोगे या ठंडा? नहीं अम्मी कुछ नहीं, थैंक यू। भाई कहाँ है? वो ऊपर है, मैं लेकर आती हूँ। पापा को मिस कर रहे थे? मुस्कान जाओ बेटा, वो तुम्हें लेने आया है। वो मुझे लेने नहीं आया, वो सिर्फ अपने बेटों को मिलने आया। देखा नहीं आपने, शिराज का स्कूल बैग तक वो लेके आया। अरे बेटा ये तो बहाना होता है, मर्द है ना, उसकी भी तो अना है, आकर तुम्हारे कदमों में तो नहीं बैठ जाएगा। वो बच्चों के बहाने से आया है। जाओ शाबाश, दफा करो शैतान को। इस वक्त अपनी अना को मारोगी ना तो जिंदगी भर तुम्हारा घर बसा रहेगा। याद करोगी इस वक्त को, बल्कि आकर मुझे कहोगी कि अच्छा किया जो आपने शाहनवाज के साथ भेज दिया। जाओ बेटा। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। उसने मुझ पे हाथ उठाया, मुझे जलील किया। जब तक वो मुझसे माफी नहीं मांगेगा मैं कहीं नहीं झुकूंगी। तो बड़ी सड़ती रहना यहाँ, इससे ज्यादा झुकना मर्द की फितरत में नहीं होता। बाबा बहुत मिस करते हैं तुझे। बेटा वो दोनों माँ बेटा गहरी नहीं सो रहे, तुम कहो तो उठाओ। नहीं नहीं आप उनको सोने दीजिए, मैं कल आ जाऊंगा। बाबा आपको पता है मम्मा टीचर बन गई। कौन टीचर बन गया? नहीं नहीं बेटा वो मुस्कान की दोस्त है रोजीना, इसे अपने साथ स्कूल ले गई थी। जब मुस्कान लेने गई तो उन्होंने उसे नौकरी पे रख लिया। मतलब उसने फैसला कर लिया है कि हमारे दरमियान नाराजगी नहीं, खलैदगी हो चुकी है। नहीं नहीं शाहनवाज तुम बेटा गलत समझ रहे हो। तो और क्या समझो? देखो बेटा मुस्कान ने मुझे कभी मौका नहीं दिया मैं उस पर हाथ उठाऊं। मेरी बेटी बहुत अना वाली है, बहुत इज्जत वाली, लेकिन तुम्हारी तरफ से बार बार उसे तकलीफ पहुंचाई गई, उसे बात बर्दाश्त नहीं हुई। मैं उसे बहुत ठंडा करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो अपनी जगह खड़ी है। क्या ठंडा करने की कोशिश की आपने उसे? यही कि शोहर भाड़ में जाए तुम नौकरी कर लो, और उसकी इजाजत तो क्या उसको खबर देने की जरूरत भी नहीं है। आपकी तरबियत ये है कि शोहर की बहन के होने वाले ससुराल के आगे आपकी बेटी घर छोड़कर गठरी उठाकर आपके घर आ गई और आपने उसको बिठा लिया। आपकी तरबियत ये है कि आपका नवासा इतने दिनों से स्कूल नहीं जा रहा और आपको उसकी
फिक्र करने के बजाय मुस्कान की नौकरी की फिक्र लगी हुई है। मेरी माँ से इस तरह बात करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अगर तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ मौत पर है तो मेरे लिए मेरी साबिर माँ भी मौत पर है। तुम, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी माँ सब इज्जतदार और बाकी सब लोग तुम लोगों के पैरों की खाक हैं क्या? मुस्कान तुम चुप करो, मुझे बोलने दे। क्या सोचा था तुम कि हम यहाँ भूखे मर रहे होंगे? तुम एहसान जताकर अपनी औलाद का हक देने आओगे और मैं तुम्हारे कदमों में गिर पड़ूंगी? तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें यही समझाया हो कि जरूरतों के तंग पड़ने पर हम तुमसे समझौता कर लें और फिर से मैं उसकी और उसकी बेटियों की भड़ास का सामान बनने के लिए तुम्हारे साथ चली जाऊंगी। लेकिन ये भूल है तुम्हारी। अब मैं ऐसी कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं करूंगी। बकवास बंद करो अपनी, जितना बोलना था बोल चुकी तुम। मुझे वाकई तुम पर हाथ उठाने का बहुत अफसोस हो रहा था, मगर अब भाड़ में जाओ, सड़ती रहो, जूतियां घिसाओ स्कूल में। मैं भी देखता हूं कितने दिन लगते हैं तुम्हारी शान ठिकाने लगने में। ये नौकरी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। अगर नौकरी शौहर का नेमल बदल होती तो आज सारी नौकरियां करने वाली औरतें तुम्हारी तरह अपने शौहरों को छोड़ चुकी होती। अम्मी 100% ठीक कहती है, तो घर बसाने वाली औरत ही नहीं। हाँ तो जाओ ना अपनी माँ के पास जो 100% ठीक कहती है। क्यों आए हो यहाँ? मैं तो तुम्हें छोड़ चुकी हूँ उनका हक अदा करने के लिए। जा रहा हूं, मगर जब तुम पछताओगी तो मुझे आवाज मत देना। शाहनवाज, शाहनवाज बेटा मेरी बात सुनो। शाहनवाज तुम रुको तो सही। क्या चाहती हो? अगर वो 3 लफ्ज कह देता क्या रह जाती हमारी? कह दे, मुझे कोई परवाह नहीं। बस कर दो, खुदा के वास्ते बस कर दो। जब से वो बेचारी बिस्तर से लगी है यूं लगता है जैसे सारा घर ही सर पे आन पड़ा। आए बेटा, मुस्कान के कान में उसकी बीमारी की खबर डाल तो सही, हो सकता है उसकी खबर गिरी के बहाने ही आ जाए। आप समझे मर गई। आए आज के बाद उसका जिक्र अपनी जबान पे मत लाइए। भाई क्या कर दिया उसने बेटा? मैंने कहा ना उसका जिक्र मत कीजिए। हिना भाई नाश्ता दो, लेट हो रहा। सबर कर ले शाहनवाज भाई, मैं भी अकेली हूँ, टाइम लगता है। क्या मतलब? पहले भी यहाँ काम करने वाले को मददगार मुयसर नहीं थे, अब तुम भी आदत डालो, कल को तुम्हारी शादी होने वाली है, खाम खाम हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। हाथ की खाएगी अपने गाल पे एक दिन, भाई से मत जबान चलाया कर। अम्मी मैं भी ना अकेली हूँ, थक जाती हूँ। आप दादाजी को बोले कि आके मुस्कान की जगह पर बारी दे, घर की बहू भगाती हैं तो उनकी जगह पर काम भी करना सीखें। चुप कर जा, चुप कर जा। मैं क्यों चुप कर जाऊं? एक की बीवी ने मैका पकड़ लिया और दूसरी जाके लग गई है बिस्तर से, और वो आपकी बड़ी बेटी अपने घर की हो गई है, और शामत आई ना तो मुझ बेचारे गरीब की। वैसे तो आप दबा जी रोज रोज हमारे घर आके विराजमान हो जाती थी, अब कहाँ हैं? अब जब काम करने की बारी आ रही है तो सिरे से ही गायब है, नजर ही नहीं आ रही है। और सब खुदा का कितनी बेईमान निकली है। तू नहीं चुप करेगी? नहीं चुप करेगी ना? मैं तो भागू इज्जत बचा के, अब तू बैठी यहाँ भाई के जूते खाती रहे। अगर उसने सुन लिया और पलट के आया तो लड़की मुझसे गिला ना करना, मैं तो चली। ये ठीक है, इतनी मेहनत करके इतना सारा नाश्ता बनवा लिया और करके भी नहीं जा रहे। चले गए सब लोग? चले गए। वो क्या था शामिल जो मैंने देखा?
आप और मोना इतने करीब, क्या चल रहा है? कितने करीब खड़ी थी वो आपके, आपके गले लग रही थी और आप उसे कह रहे थे कि हट जाओ, हसरा देख लेगी, दूर हो जाओ। और वो बेशर्मी से आपके गले लगे मेरी आंखों में आंखें डाल कर देख रही थी। देखो, डॉक्टर ने कहा है कि अभी ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए तुम्हें, तुम आराम करो, हम बाद में सारी बातें कर लेंगे। किसने दिया उसे इतनी हिम्मत शामिल? जरा बात यह है कि उसे, वो कहती है कि उसे मोहब्बत है मुझसे। झूठ बोलती है वो। आपकी मुझसे चाहत देखकर उसकी नियत में खोट आ गई थी, झूठ बोलती है वो। मेरी बचपन की सहेली है वो, जानती हूँ मैं उसे। मुझे मुझे जो चाहिए होता है उसे भी वो ही चाहिए होता है। जो मेरे पास होता है वो छीन लेती है मुझसे, कुछ नहीं रहने देती मेरे पास। मेरी हर चीज उसे चाहिए होती है, झूठ बोलती है वो। वही अजरा जहाँ आपने अपनी मोहब्बत में किसी मर्ज की तरह मुब्तला किया, जब मर्ज भी आप और दबा भी आप तो इस तरह मुझे छोड़े नहीं। नहीं, मैं तो कहती हूँ शामिर एक ही दफ़ा उसे बता देना सब कुछ, जो रोना पीटना एक ही दफ़ा कर ले। वो मेरा बेटा है, खुद पे कोई इल्ज़ाम थोड़ी लेगा। उसे कहना कि खुले दिल से कबूल कर ले। लिख लिया बेवफा तू अखा किस हो।